बैठी रही। SHO भूपेंद्र सिंह बालिया न्यूआगरा थाना ने मुझे बुलाकर मेरे संग मारपीट करी, महिला पुलिस से पिटवाया, मेरे संग गाली गलौज की, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। मेरे को लगता है कि इन्होंने कोई प्रलोभन ले लिया है। मैं 6 तारीख सरकार के महिला सशक्तिकरण की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। एक तरफ लड़कियों को थानेदार बनाने के ड्रामे कर रही है सरकार, लेकिन योगी की पुलिस एक तरफ महिलाओं की मदद करने में पीछे है तो दूसरी तरफ ससुरालियों के जुल्म की शिकायत करने थाने पहुंचने वाली महिला को पीटा जा रहा है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां थाना न्यू आगरा इलाके की महिला टीचर को उसके ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित करते रहते हैं। महिला ने अदालत का सहारा लिया, जिला और हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में आर्डर दिए, लेकिन ससुराल वाले और पुलिस कोर्ट की नहीं मान रही। यहां तक कि गुजरे हफ्ते मदद के लिए थाना न्यू आगरा पहुंची पीड़ित को SHO ने न सिर्फ अश्लील गालियां दी बल्कि उसको पीटा भी। सुनिए महिला सशक्तिकरण का सच पीड़िता की जुबानी। मैं मधु, मेरी शादी दयालबाग डॉक्टर विशाल आनंद के साथ हुई। शादी कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा। शादी से पहले मेरे पति विशाल आनंद के संबंध 18 रोशनबाग की लड़की अनुराधा चौधरी के साथ थे। शादी के बाद मेरे पति विशाल आनंद ने मेरे ऊपर सेक्शन 12 सेक्शन 13 डाले, जिसका निर्णय मेरे पक्ष में आया। पहले तो ये अटेंड नहीं करते थे कोर्ट में, फिर इजरा दाखिल हुआ, ये कोर्ट में अटेंड हुए। उसके बाद मैंने सेक्शन 9 डाला, विदाई का मुकदमा, जिससे मेरे पक्ष में निर्णय आया। इस निर्णय को लेकर मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट का भी डिसीजन मेरे पक्ष में आया। मैं 24/3/2021 को अपने ससुराल गई, वहाँ पे मैं 30 जून तक रही। 30 जून को मैं अपने कानपुर सर्विस ज्वाइन करने के लिए आई। 3 तारीख को मैं शाम 6 बजे आगरा पहुँची तो मेरे को किसी ने ताला नहीं खोला। मैं शाम 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 12:30 बजे तक वहाँ बैठी रही। SHO भूपेंद्र सिंह बालिया न्यू आगरा थाना ने मुझे बुलाकर मेरे संग मारपीट करी, महिला पुलिस से पिटवाया, मेरे संग गाली गलौज की, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। मेरे को लगता है कि इन्होंने कोई प्रलोभन ले लिया है। मैं 6 जुलाई को मैं IG सर SSP सर से मिली। IG सर ने कहा CO तुम्हारी बयान लेंगे, लेकिन CO ऑफिस से ना कोई फ़ोन आया, ना किसी ने मेरा स्टेटमेंट लिया। मुझे लगता है जब तक भूपेंद्र सिंह बालियान रहेंगे तब तक मुझको न्याय नहीं मिल पाएगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए।